दोस्तों आज मैं मास्टर आ गया हूँ। वैसे तो मैं मास्टर बहुत ही कम लगाता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा रैंक पुश नहीं करता। बस मुझे मास्टर जाना है तो मैं मास्टर वही सीजन जब ख़त्म होने वाला रहता है तो मैं मास्टर लगा लेता हूँ। लेकिन अब की बार सोचा मैंने कि भाई बाद में लगाने से रैंक पुश करने से क्या फ़ायदा, अब की बार पहले ही किया जाए। तो मुझे रैंक पुश करने में, मुझे मास्टर जाने में टोटल 9 दिन लगा। वैसे आपको कितना लगता है कितने दिन में आप मास्टर जाते हो कॉमेंट करके बताना। तो मैं बहुत ही कम गेम खेलता हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा मास्टर जाने में। तो अभी मैं मास्टर पहुंच चुका हूं और वो अपने प्रोफाइल पर भी चल के दिखाता हूं कि मैं कितने गेम में मास्टर पहुंच गया। तो मैं अपने प्रोफाइल में आता हूं और देखो अभी मैं बीआर में रैंक पुश नहीं किया, तो मैं बीआर में लास्ट टाइम मास्टर पहुंच जाऊंगा जब कुछ दिन बचेगा। वैसे तो करीब 20 दिन बचा है लेकिन मैं मास्टर बीआर में पहुँच जाऊँगा। सीएस की बात करें तो अभी सीएस में मेरा 51 है। वैसे तो मैं जब से सीएस स्टार्ट हुआ है अब की बार तो मेरा माइनस नहीं लगा है, बस मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट ही माइनस हुआ है, मेरा कभी भी स्टार माइनस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री में आपको चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे अच्छा खासा यहाँ पर प्लस हुआ है। तो यहाँ पर मैं 9 बार स्ट्राइक मार चुका हूँ, वो भी लगातार मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट भी कुछ मिले हैं। अब आते हैं ओवर रिव्यू में और यहाँ पर क्लास स्क्वाड में देखते हैं टोटल कितने गेम खेला है मैंने सीएस रैंक में मास्टर जाने के लिए। तो मैं टोटल 70 गेम खेला हूँ मेरे भाई सीएस रैंक में मास्टर जाने के लिए। वो भी 70 गेम में मैं टोटल रेंडम प्लेयर के साथ ही गेम खेला है। करीब 6 गेम मैंने अपने फ्रेंड के साथ खेला था जिसमें से मैं 4 गेम हार गया था, सिर्फ जो 2 ही गेम जीता, बाकी सब मैंने रेंडम प्लेयर के साथ खेलकर ही मास्टर लगाया है, जिसमें से मैंने 54 गेम मैंने जीत लिया है और 348 किल किया है 3 के KD के साथ, जिसमें से मेरा 19 का हेडशॉट रेट है और 77% विन रेट है। तो बस मेरे भाई अब की बार सीएस रैंक में बस यही कुछ मेरा डायमंड से मास्टर का जर्नी था जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए तो मैं आपको बता दिया। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कितने दिनों में मास्टर पहुंच जाती हो, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं जल्दी रैंक पुश करके मास्टर पहुँच गया या फिर देर कर दिया। वैसे तो आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट मिलेगा लेकिन फिर भी आप लोग कॉमेंट करना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।